नमस्कार। आदरणीय कार्याध्यक्ष, कुछ शब्द आपके सामने समक्ष रखूंगा। आदरणीय माननीय अमीर चंद जी, जिनका अभी पिछले महीने देहांत हुआ, परमगति को प्राप्त हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक थे, प्रचारक थे। जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, इस लायक बनाते हैं कि वो समाज में अपना नाम कमाएं, आजीविका कमाएं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, उससे कई गुना मेहनत एक संघ के प्रचारक को बनाते बनाते लगती है। संस्कार भारतीय जम्मू कश्मीर लद्दाख प्रांत का अध्यक्ष, और आज हम यहाँ शोक सभा में सम्मिलित होने आए हैं सभी लोग। हमारे अखिल भारतीय महामंत्री, जिनका पिछले महीने 16 अक्टूबर को देहांत हो गया, पूर्वांचल में उस वक्त थे, उत्तरांचल उसमें नॉर्थ ईस्ट के दौरे पे थे वो अपने, तो वहाँ पे उनको हृदय गति रुकने से उनका देहांत हुआ। वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, पूर्णकालिक प्रचारक थे संघ के और संस्कार भारती के अखिल भारती महामंत्री थे। उनकी देखरेख में पिछले 25 साल से संस्कार भारती जो है वो काम कर रही थी, और आज संस्कार भारती का जो लेवल अखिल भारती लेवल पे पहुंचा है कि संस्कारों को लेके कैसे आगे बढ़ा जाए, किस तरह से, उनका इसके बारे में बहुत ही क्लियर विज़न था कि देश जो है वो पाश्चात्य ताकतों से लड़ रहा है। उनका एजेंडा है कि हमारी परंपराएं जो हैं वो किसी तरीके से ख़त्म हो जाएं। वो संस्कार भारती का अपना लक्ष्य है कि उन परंपराओं को बचाते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए जो युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उनको उसके बारे में जो है अवगत करवाया जाए। तो ये आज का दिन हमारे लिए बड़ा शोक का दिन भी है, क्योंकि एक महीना ऑलमोस्ट उनके स्वर्गवास को हो रहा है। तो संस्कार भारती केंद्रीय दिल्ली भी जो है उस पर काफ़ी काम कर रही है कि उनके बाद ये दायित्व किसको सौंपे जाएंगे कि वो संस्कार भारती की उनकी जो बनाई हुई शैली, जो परंपराएं हैं, उसको वो आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे आगे ले जा सकते हैं।